खबर कौशाम्बी जनपद से, जहां जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी के युवा जिलाध्यक्ष सुमित सिंह पटेल ने पार्टी से नाराज होकर समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया। आपको बता दें, पिछले 8 वर्षों से सुमित राजा भैया यूथ ब्रिगेड से जुड़े रहे बताया जा रहा है। पार्टी से चुनाव के लिए आवेदक पर पार्टी ने गलत निर्णय लिया, इसी पर नाराज हुए युवा जिलाध्यक्ष सुमित सिंह पटेल उर्फ राठौर ने सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल की अध्यक्षता में सपा में शामिल हो गए। इस दौरान सपा में शामिल हुए जनसत्ता दल पार्टी के युवा जिलाध्यक्ष सुमित सिंह पटेल उर्फ राठौर ने मीडिया के सवालों पर क्या कुछ कहा, देखिए कौशाम्बी से राजकुमार केसरवानी की रिपोर्ट। तब हम वहाँ उपस्थित नहीं थे, लेकिन हम अपने अपने लोगों को लखनऊ भेजा था। उस प्रोग्राम में सभी लोग हमारे समर्थक सभी लोग पहुँचे थे, उन्होंने शिरकत की थी। दरअसल 8 साल एक बहुत बड़ा समय होता है और बराबर हम क्षेत्र में लगे रहे। आज क्षेत्र का सर्व समाज का युवा बुजुर्ग माताएं और बहनें सभी को पता है कि राजा भैया जी से जुड़ा हुआ कोई भी पुराना इस क्षेत्र में चाहे क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति है तो वो सुमित सिंह पटेल राठौर जी। जी क्या वजह है कि आपने जनसत्ता दल छोड़कर समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया? वजह एकदम साफ है कि 8 वर्षों से हम लगे रहे। हम लखनऊ पार्टी कार्यालय में आवेदन करके आए थे, हमें ये आश्वासन दिया गया था कि आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, क्योंकि इसके पूर्व जितने कैंडिडेट का चयन किया गया था सबको इंटरव्यू लेके तब चयन किया गया था, लेकिन ना तो इंटरव्यू के लिए बुलाया गया, अचानक किसी नए आदमी को टिकट पकड़ा दिया गया, ना तो उसका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड है, और बस यही सब सारी बातें हैं। और हमने जमीन पर संघर्ष किया, 8 साल झंडा ढोने का काम किया, इंडिविजुअल रूप से भी हम जुड़े रहे। कुल प्रत्याशी देखिए, ऐसा है कि जब अभी हम लखनऊ पार्टी कार्यालय समाजवादी पार्टी गए तो माननीय प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल जी के सम्मुख हमने समाजवादी पार्टी का दामन थामा, तो उन्होंने सीधा कहा कि श्रीमान जी, पूर्व मुख्यमंत्री राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी का कहना है सुमित जी साइकिल चुनाव